हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आए हैं दिल्ली एनसीआर की फाइनेस्ट रेजिडेंशियल एरिया में। ये है इंदिरापुरम। राइट में जो आप देख रहे हैं येलो और ब्लू कलर के फ्लैट्स, ये है महागुण मैंसन जो कि वैभव खंड में आता है इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको ये रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स और लो राइज फ्लैट्स मिल जाएंगे। यहाँ की जो कनेक्टिविटी भी है वो भी दिल्ली से और नोएडा से काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। वैशाली का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और जो नोएडा सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली 3 किलोमीटर्स पर है। लेफ्ट में जो आपको हाई राइज दिख रही है ये आदित्य मेगा सिटी है और सामने जो है विंडसोर पार्क सोसाइटी है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी प्रीमियम सोसाइटीज भी मिल जाएंगी। साथ में यहाँ की खासियत है यहाँ पे लो राइज आपको फ्लैट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इन सोसाइटीज में यहाँ पर फ्लैट्स खरीदते हैं तो तकरीबन 1 से 2 करोड़ के बीच में आपको फ्लैट्स की कीमत मिल जाएगी, मगर अगर आप दूसरी लोकेशन पे जाते हैं तो 30 लाख से लगभग आपको 1 करोड़ के अंदर काफ़ी अच्छे फ्लैट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसकी प्रॉक्सिमिटी भी दिल्ली से बहुत पास है, नोएडा से बहुत पास है, तो बहुत ही अच्छी एक लोकेशन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अभी हम वैभव खंड में ही हैं, आगे हम दूसरे खंड में भी जाएंगे जो यहाँ की अलग अलग लोकेशंस हैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल से फूड स्ट्रीट है, इसको कहते हैं ग्रैंड स्ट्रीट, जो कि वैभव खंड में ही आती है और बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे बनाया गया है। और अब हम आ चुके हैं वैभव खंड से अहिंसा खंड की तरफ। सामने जो आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं ऊंची सी, ये है ATS एडवांटेज टावर जो कि अहिंसा खंड में आते हैं। यहाँ लेफ्ट में अगेन एक ओपन एयर स्ट्रीट है फूड की, काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्ट्रीट है। यहाँ पर आप दिन में रात में आउट साइड अगर फूड खाने के आप शौकीन हैं तो आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है। शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और इस रोड पर आगे जाने पे हम पहुंच जाएंगे इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है यहाँ पर शॉपिंग के लिए, ईटिंग के लिए। यहाँ लेफ्ट में ये आपको नज़र आने लग गया होगा। इसके साथ में यहाँ पे प्रेजिडियम स्कूल भी है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम स्कूल है। यहाँ पे DPS भी है, वहाँ भी हम जाएंगे। यहाँ लेफ्ट में ये प्रेजिडियम स्कूल है। इंदिरापुरम जो लोकेशन है ये काफ़ी न्यू लोकेशन है, बहुत ही नई है और 1996 में इसका फाउंडिंग स्टोन यहाँ पर रखा गया था। एक जगह है यहाँ पर काला पत्थर, जहाँ पर ब्लैक कलर का जो पत्थर था वो रखा गया था फाउंडिंग स्टोन के लिए 1996 में, और तब से आज तक में आप देख सकते हैं ये जगह बिल्कुल 30 सालों के अंदर जो ये जगह है बिल्कुल बदल चुकी है। और अब हम जा रहे हैं आदित्य मॉल की तरफ जो कि यहाँ का बहुत ही एक पॉपुलर स्पॉट है। लेफ्ट में है राजहंस प्लाजा जो कि जस्ट अपोजिट है आदित्य मॉल के। आप देखें तो ऊपर सामने लिखा हुआ, यहाँ पे इतने सारे खंड इस तरफ हैं, अहिंसा खंड, वैभव खंड, न्याय खंड, वैसे यहाँ पे शक्ति खंड भी है और भी काफ़ी सारे खंड है। सामने है आदित्य मॉल जो कि यहाँ का एक पॉपुलर मॉल है, वैसे ही शिप्रा मॉल भी है यहाँ पर। एंड ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है पूरा मॉल है।
इस मॉल में यूएस सिनेमाज भी हैं और स्मार्ट बाजार भी है रिलायंस का। और अब हम आ चुके हैं नीति खंड की तरफ। यहाँ पर लेफ्ट में स्वर्ण जयंती पार्क है जो कि काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर इसकी एंट्री फीस 10 रुपीज़ होती है एंड अगर आप इस एरिया में देखें तो बहुत ब्यूटीफुली इसे बनाया गया है, लेकिन अभी लगता है कि यहाँ की जो रोड्स हैं उस पर थोड़ा काम करना ज़रूरी है। कुछ जगह पर रोड्स की जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर जो ये पूरा लोकेशन है बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। ग्रीनरी को यहाँ पर बहुत तवज्जो दी गई है, देख सकते हैं आप, बहुत ग्रीन एरिया है और ओपन एरिया भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस तरफ लो राइज फ्लैट्स हैं। यहाँ अगर आप मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं अंदर ट्रैवलिंग कर सकते हो, शेयरिंग ऑटोज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हर वक्त और ये अच्छी बात है। यहाँ के हर मेट्रो स्टेशन से अंदर आने के लिए कनेक्टिविटी है, शेयरिंग ऑटोज हैं। काफ़ी शांत और पीसफुल सी लोकेशन है, यहाँ पे ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ या क्राउड नहीं दिखेगा और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सारी इस तरफ लो राइज बिल्डिंग्स है जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं। नीति खंड से आगे आने पे हम पहुंच जाते हैं शक्ति खंड पर। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर दो मॉल हैं, डी मॉल और इरोज मॉल। डी मॉट भी यहाँ पर है, मैकडोनल्ड आपको इन मॉल्स में मिल जाएगा। काफ़ी ब्यूटीफुली बनाए गए हैं, सारी आपको एक एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उसकी शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगी, बैंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसके आगे ही लेफ्ट में जो एरिया है वो अलॉट हुआ है यशोदा हॉस्पिटल के लिए, तो काफ़ी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ लेफ्ट में, ये जो आप लेफ्ट में बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर बनने वाला है। और सामने जो आप ये रोड देख रहे हैं ये है वसुंधरा इंद्रपुरम रोड। ये यहाँ से अगर आप राइट में जाते हैं तो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो भी इंद्रपुरम का ही पार्ट है, अहिंसा खंड है, वहाँ की भी हम वीडियो आने वाले कुछ वीडियोस में जरूर बनाएंगे। लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन तो ये चल रही है यशोदा हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया कि वो उसका पूरा का पूरा एक मेडिसिटी टाइप से यहाँ पर बनने वाली है। लेफ्ट में जो है ये इरोज मॉल है, आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड यहाँ पर है, KFC यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी आउटलेट्स हैं। अपने आने वाले वीडियोस में हम कंटिन्यू रखेंगे इंद्रपुरम का ये सफ़र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।